अस्सलाम वालेकुम। बार्सिलोना स्पेन से अरशद नज़ीर साहिल आपसे हम कलाम हूँ। सबसे पहले हल्का अरबाब ज़ौक़ की गोल्डन जुबली पर तमाम अराकीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गोल्डन जुबली के इस इजलास में हम तारकीन वतन शोरा को याद रखा गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ से मेरी शनासाई 2001 से है। जब 2001 में मैं गुजरात से इस्लामाबाद आया तो 2001 से लेकर 7 तक जुड़वा शहरों के जो हल्का के इजलास हैं उनमें खसूसी तौर पे शरीक होता रहा। हल्का के इजलास में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, नए दोस्त मिले, नए आइडियाज़ मिले, बड़े बड़े जो नामवर लिखारी हैं उनसे शनासाई हुई। जब 2007 में बसिलसा रोज़गार यूरोप आया तो जहां अपनों की जुदाई महसूस होती रही, वहीं हल्का अरबाब ज़ौक़ में गुजरे लम्हे भी मुझे बहुत मिस करता रहा। उन लम्हों को वो लम्हे भी याद आते रहे। अपने इस्लामाबाद क़याम के दौरान मुझे हल्का के इजलास से ना सिर्फ जुड़वा शहरों की अदबी और सकाफती तकरीबात का पता चलता था, वहीं हल्का के दोस्तों के साथ शहर की जो बड़ी बड़ी तकरीबात हैं उनमें शरीक होने का मौका मिलता रहा। और जो मेरा सहाफत का शौक़ है, इस हवाले से बड़े बड़े लिखारियों से मिलकर उनके इंटरव्यूज़ करने का जो मौका भी मिला। मोहतरम मंशा याद साहब, प्रोफेसर यूसुफ हसन साहब, सरफराज शाह साहब, हमीद शाह, जलील अली और इफ्तिहार आरफ जैसे सीनियर लिखारियों से सीखने का मौका मिला। वहीं अली यासर, सैयद मज़र मसऊद, खलीकुर रहमान, अख्तर रज़ा सलीमी, असगर आबद, इमरान आमी, अहमद रज़ा राजा, साइमा जैदी, फाहरा नूरीन, मंजर नकवी, अरशद मेराज, जंगीर इमरान और आसम भट्ट जैसे लिखारियों से ना टूटने वाले मरासम कायम हुए। जब हल्का ने कोरोना के 2 बरसों में ऑनलाइन इजलास का सिलसिला शुरू किया तो ये सिलसिला हमारे लिए ताज़ा हवा का एक झोंका था। जब पूरा यूरोप अपने घरों तक महदूद था, ऐसे में हल्के के इजलास हमारे लिए बहुत बड़ी तफरी का सामान मुहैया कर रहे थे। आखिर में हल्का के इस खूबसूरत ग्रुप की आबियारी करने पर सेक्रेटरी हल्का जनाब खलीकुर रहमान और अकबर नियाजी और हल्का की मजलिस मशावरत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने तमाम लिखारियों